आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में बसपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मायावती के जन्मदिन पर जो पब्लिक बुलाई गई थी उन्हें लालच देकर बुलाया गया था। मौजूद पब्लिक का साफ कहना है कि हमसे कहा गया था कि आपको कम्बल और खाना मिलेगा, मगर इस हाड़ काप सर्दी में हमें सुबह 8 बजे से बुलाकर बिठा लिया गया, मगर 5 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि प्रोग्राम खत्म होते ही बसपा कार्यकर्ताओं और अधिकारी मौके से गायब हो गए। मौके पर मौजूद पब्लिक ने जमकर हंगामा किया। अगर इस बीच बच्चे आपको बता दें लगातार गिर जाएं और घायल हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा उन्होंने कहा। वही मौजूद गुस्साए पब्लिक ने चीख पुकार कर जमकर हंगामा किया और पब्लिक में बहुत ही आक्रोश और गुस्सा नजर आया। आज जो पूरी भांति जैसे पहले होता आया कि बहन जी का 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहन जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो जन कल्याणकारी के रूप में मनाया जाता है। आज भी बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये खाली मुरादाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे जिले, पूरे भारत के अंदर जन्मदिन मनाया जाता है बहन जी का। और अब ये 68वां बहन जी का जन्मदिन है और अब किसी जो बहन जी ने काम जो नाम है दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हर घर में हर जगह पर बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले तो यानी जिला मुख्यालय पे मनाया जाता था, लेकिन अब की बार हर घर में, हर कार्यकर्ता के घर में बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और केक काटा जाएगा।